नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। राजनीति संभावनाओं की कला है, उम्मीदों का गणित है और हकीकत का अभ्यास है। फिर ये चाहे मौका परस्त हो या मौके की नजाकत। अमेरिकी पत्रकार और लेखक माइक मार्क्सी की लिखी ये बात आज महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के रिश्तों पर बिल्कुल फिट बैठती है। लव एंड हेट रिलेशनशिप की चाशनी में डूबा इन दोनों दलों का रिश्ता आज बहुत ही नाजुक मोड़ पर खड़ा दिखता है। दो दशक से ज्यादा हो गए शिवसेना और बीजेपी को मिलकर चुनाव लड़ते हुए, लेकिन बीएमसी चुनाव के पहले सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों में ऐसी तकरार हुई कि इस बार दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक को निशाने पर ले रखा है और फडणवीस भी सीधे तो नहीं लेकिन जवाब जरूर दे रहे हैं। सवाल है कुछ यहाँ पर, सवाल है कि क्या ये खटास महाराष्ट्र में गठबंधन के लिए खतरा हो सकता है? क्या महाराष्ट्र में सरकार में शामिल शिवसेना समर्थन वापस लेगी? क्या महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनाव होंगे और अगर शिवसेना समर्थन वापस लेती है तो क्या एनसीपी बीजेपी से हाथ मिलाएगी, या शिवसेना की ये कोरी गिदड़ भभकी है जो चुनाव के बाद ठंडी पड़ जाएगी? महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना का 20 साल से भी ज्यादा का साथ छूट गया, छूटा ही नहीं बल्कि टूट के कगार तक जा पहुंचा है। बीजेपी और शिवसेना के बीच बीएमसी चुनाव को लेकर ऐसी ठनी है कि इसकी आंच महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस सरकार तक जा पहुंची है। पवार साहब पहले विश्वास दिला दे कि वो कभी कभी कहते कि हिम्मत है तो सपोर्ट निकालो, हिम्मत है, चलो सपोर्ट निकालता हूं, तो क्या आप पक्का भरोसा देते कि आप नहीं जाकर बैठेंगे उस खाली जगह पर? तो ये सारी दोहरी नीतियां इनकी चलती है, कभी एक दूसरे की आलोचना करते हैं, कभी एक दूसरे की तारीफ करते हैं, प्रशंसा करते हैं, कभी उनको करप्ट कहते हैं, कभी उनको पद्म विभूषण देते हैं। ये सारा मामला जो है ये आम जनता के समझ के बाहर का है। उद्धव ठाकरे को शक है कि शरद पवार 2014 की तरह फिर बीजेपी को समर्थन दे सकते हैं। हालांकि शरद पवार ने साफ कर दिया कि वो बीजेपी को समर्थन नहीं देंगे और महाराष्ट्र में मध्यावधि चुनावों के लिए तैयार हैं। शरद पवार ने ट्वीट किया कि राज्य में अगर 2.5 साल से पहले ही चुनाव होते हैं तो लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर 23 फरवरी तक ऐसी कोई स्थिति बनती है तो हमारी पार्टी चुनावों के लिए तैयार है। उधर शिवसेना ने तेवर तल्ख करते हुए साफ किया है कि महाराष्ट्र सरकार में उसके मंत्री इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। तो बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश की है। बिल्कुल सही है, हमारे जो मंत्री है वो कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं। उद्धव जी के इशारे की उसकी राह देख रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार से उब चुकी है और बदलाव देखना चाहती है। शिवसेना वो बदलाव लाएगी। हमारे मित्र उद्धव ठाकरे जी और शिवसेना दुनिया भर के विषय यहाँ उपस्थित करते हैं। अरे भैया, चुनाव मुंबई महापालिका का है, मुंबई महापालिका में जो माफिया राज है, जो घोटाले हैं, अब उसका उत्तर दे नहीं पा रहे। इसके लिए कभी वो महाराष्ट्र की बात करते हैं, कभी जेब में उन्होंने इस्तीफे रख के उसकी बात करते हैं, कभी नोटबंदी की बात करते हैं। मुंबई में परिवर्तन होना है। बीएमसी देश का सबसे धनी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है जिसका बजट कई छोटे राज्यों के बजट से भी ज्यादा है। विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने के बाद क्या अब बीएमसी में वर्चस्व को लेकर भी बीजेपी शिवसेना में टकराव नहीं है? इसमें दो राय नहीं कि बीएमसी में शिवसेना का दबदबा रहा है और बीजेपी का साथ उसे मजबूती देता रहा है। जाहिर है इस बार के चुनावी नतीजे शिवसेना की राजनीतिक हैसियत तय करने वाले होंगे। इसी मुद्दे पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो, और इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ एक खास पैनल है। मेरे साथ सचिन सावंत हैं, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस पार्टी के। मेरे साथ जफर इस्लाम है, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। क्लाइड क्रास्टो है मेरे साथ, स्पोक्स पर्सन एनसीपी। अखिलेश तिवारी हैं, शिवसेना के प्रवक्ता। और मेरे साथ डॉक्टर उदय निर्गुड़कर हैं, एडिटर एंड हेड Zee24 टास्क जी मीडिया। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। और उदय जी आपके पास ही आऊंगा। उदय जी, मुझे लगता है बहुत कम लोग होंगे इस देश में जो महाराष्ट्र की राजनीति और खासकर बीजेपी और शिवसेना के रिश्तों को इतने अच्छे तरीके से समझते होंगे। सर, जो इस वक्त माहौल दिख रहा है और जिस तरह से उद्धव ठाकरे एक के बाद एक फायर उनकी जो फायरिंग है इस वक्त बीजेपी की तरफ, सर क्या वाकई ये माने कि खतरे में है सरकार, या आपको लगता है कि नहीं इसका तो कुछ और ही पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल है?
सरकार खतरे में है ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता। सरकार बिल्कुल खतरे में नहीं है। जिस पक्ष का प्रधानमंत्री हो, जिस पार्टी का विधानसभा का अध्यक्ष हो, जिस पार्टी के कार्यकाल का गवर्नर हो, जिसका खुद का मुख्यमंत्री हो, और 144 की नंबर चाहिए और आप 130 तक पहुंच गए हो, मुझे नहीं लगता कि सरकार गिरने के कोई आसार है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि शिवसेना और भाजपा के जो संबंध है वो ऐसी तनावपूर्ण स्थिति में आज है कि कल जाके अपने विधानों को वापस लेके एक दूसरे के साथ हाथ जोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है सर, एक और सवाल आप ही से, उसके बाद मैं अपने दूसरे पैनल के पास जाऊंगा। तो ये गठबंधन की गांठ आपको नियर फ्यूचर में सुलझती दिखती है या आपको लगता है कि नहीं, ये एक रिश्तों में गांठ पड़ चुकी है और आगे ये गांठ पड़ी रहेगी? देखिए, 114 सीटें लानी है अगर आपको मुंबई पे राज करना है। अब मुंबई में सवाल यह है कि इसमें बड़ा भाई कौन है। आपको ये समझना होगा कि पिछले बार का जो चुनाव हुआ था उसमें शिवसेना को 76 सीटें मिली थी और भाजपा को 31 सीटें मिली थी। उसके बाद जो लोकसभा के चुनाव हुए उसमें बीजेपी को भारी भरकम जीत हासिल हुई थी। उसके बाद जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी का एक पार्षद जो था बीजेपी शिवसेना से ज्यादा आया था। उसके कारण अब ये मुंबई में बड़ा भाई कौन है इसके ऊपर से ये सब खींचातानी है वो चल रही है। भारतीय जनता पार्टी का जो वोट है वो वोट बहुत ज्यादा गुना बड़ा है। अगर पिछले विधानसभा की बात करें तो उनकी सीटें 40 से लेके अब 122 तक पहुंच गई। शिवसेना भी बढ़ गई है और कांग्रेस और एनसीपी घट के आधी हो गई है और एमएनएस तो बिल्कुल जीरो हो गई है। एक ही उनका पार्षद, वो भी मुंबई के बाहर का है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि मुंबई में बड़ा भाई कौन है, मुंबई पे राज कौन करेगा। 38,000 की किटी वाले मुंबई महानगर पालिका का मुखिया कौन होगा जिसके पास मुखिया होने के नाते उस ट्रेजरी की चाबी होगी, इसके ऊपर की सब ये लड़ाई है। और इसलिए ये दोनों पार्टियां अलग अलग होके अपने अपने को हैसियत दिखाने की कोशिश कर रही है और इसके बीच जो भी एक दूसरे के ऊपर गाली गलौच और आलोचना हो रही है उससे तो पूरा जनता का मनोरंजन हो रहा है। कोई भी विकास का मुद्दा इसमें चर्चा को अनफॉर्चुनेटली नहीं आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन आज के जो आसार नजर आ रहे हैं वो 114 तक किसी एक पार्टी का जाना मुश्किल है। और आपने जो बात कही बिल्कुल बात वही है ही। यहाँ पर मैं जफर इस्लाम आपके पास आऊं, उससे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि ये दोस्ती में दरार या गठबंधन में गांठ पड़ी क्यों। एक्चुअली बीजेपी ने चुनाव में 50-50 फार्मूले के तहत आधी सीटें शिवसेना से मांगी थी जो शिवसेना को नागवार गुजरा और उद्धव ठाकरे ने इसे शिवसेना का अपमान करार दिया। बीजेपी को 60 सीटें देने का ऑफर दिया गया था पिछले चुनाव में, जबकि बीजेपी 65 सीटों पर चुनाव लड़ चुकी थी। तो जफर इस्लाम, जो बात यहां उदय निर्गुड़कर कह रहे हैं और जो बात सामने निकल कर आ भी रही है, ये केवल और केवल वर्चस्व की लड़ाई है बीएमसी पर, और ये क्या उद्धव ठाकरे की, चाहे वो पीएम मोदी को लेकर बयानबाजी हो और चाहे सीएम फडणवीस को लेकर बयानबाजी हो, आपके गले के नीचे उतरता है ये? गौरव जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है। हम कोलिशन धर्मा पे बिलीव करते हैं। हम कोलिशन पार्टनर जो भी हमारे अलायंस पार्टनर होते हैं उनके उनका मान रखते हैं और इस तरह की कोई तीखी प्रतिक्रिया हम कभी नहीं करते हैं जिससे उनको अपमानित होना पड़े। जहाँ तक जो आप सीटों के सवाल के बारे में कह रहे हैं, देखिए साइंटिफिक फार्मूला है। जिस तरह से हम कोई इस तरह का डिमांड नहीं करते, हमारी पार्टी इस तरह का डिमांड नहीं करती, जैसा मैंने कहा कोलिशन धर्मा पे बिलीव करते हैं और इस तरह की जो साइंटिफिक फार्मूले से जितने वोट्स हमारे लिए पोल हुए थे 2014 के असेंबली इलेक्शंस में उसके बेसिस पे हमको उतने नंबर ऑफ सीट्स मिलनी चाहिए थी जो हमें चाहिए थी वो उसी तरह से मांगा, कोई हमने गलत मांग नहीं की थी। लेकिन अगर शिवसेना को अगर ये मंजूर नहीं है और वो इस गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं तो इनका डिस्क्रेशन है, वो कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी भी इस तरह के रीजन से अलायंस को नहीं तोड़ती है। हमने अलायंस का बड़ा रिस्पेक्ट किया है और आगे भी रिस्पेक्ट करते रहेंगे। लेकिन अगर हमें मजबूर होना पड़ा, अकेले लड़ना पड़ा जैसे पड़ रहा है, जैसे पहले भी पड़ा था, तो हमें मालूम है कि प्रदेश की जनता
और खास के अंबे की सिटी और थाने सिटी की जनता जो है ठीक है टाइम ओके टाइम खत्म हो गया आपका जफर इस्लाम टाइम खत्म हो गया मैं आता हूं आपके पास। इस बीच मेरे साथ अखिलेश तिवारी जुड़ चुके हैं शिवसेना से। अखिलेश तिवारी साफ साफ क्या ये बड़े भाई और छोटे भाई की लड़ाई है जहां शिवसेना ये स्वीकार नहीं कर पा रही कि वो बीएमसी में भी छोटे भाई की भूमिका में आ जाए क्योंकि राज्य में तो छोटे भाई की भूमिका में आप आ चुके हैं और क्या ये केवल वही लड़ाई है या जो उद्धव ठाकरे कह रहे हैं ये माने हम कि आने वाले वक्त में आप राज्य सरकार से भी अपना हाथ खींच सकते हैं। निश्चित तौर से जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम शालीनता से जवाब देते हैं ये भारतीय जनता पार्टी की अति महत्वाकांक्षी जो होना ये इसका मुख्य कारण रहा कि युति टूटना। अब आप ये सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी शिवसेना विगत 20 वर्षों से महानगर पालिका में है और उसके साथ में आज मुंबई शहर को उच्चतम सेवा देने का काम किया है लेकिन इनकी महत्वाकांक्षा एक 6 महीने के पहले से इन्होंने माफिया राज घोटाले का अड्डा नया नया घोटाले का खुलासा बहुत बड़ी मात्रा में मुंबई महानगर पालिका में घोटाला हुआ है तो जरा इनकी प्रवृत्ति देखिए कि आपकी ही सरकार है हम युति में हैं लेकिन नगर विकास खाता किसके पास में है आयुक्त किसका है जो कि मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब ये घोटाला हुआ है भ्रष्टाचारी जिस प्रकार से शिवसेना पर इनका टिप्पणी शुरू हुआ इनके नेताओं द्वारा फिर भी शिवसेना ने एक संयम बरता लेकिन जिस प्रकार की इनकी महत्वाकांक्षा था आज हमारा महापौर है और उसे भी उससे ज्यादा से ज्यादा इनकी महत्वाकांक्षी बढ़ने लगा तो शिवसेना को पता था कि जिस प्रकार से 2014 में टाइम पूरा हो गया हम अपने सभी पैनलिस्ट को 1.5 मिनट का शुरू में टाइम देते हैं और मैं अब आऊंगा आपके पास एनसीपी से हमारे साथ क्लाइड क्रास्टो है। क्लाइड क्रास्टो एनसीपी का तो स्टैंड बहुत ज्यादा क्लियर यहां पर किया शरद पवार ने लेकिन उद्धव ठाकरे बार बार ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एनसीपी से नजदीकियां बढ़ रही हैं और खासकर जब आपके नेता शरद पवार को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया गया तो उसके बाद तो बड़े नाराज से दिखे। क्या वाकई हम माने कि एनसीपी मध्यावधि चुनाव में जाएगी या कहीं कोई अच्छा ऑफर आता है तो आप कंसीडर करेंगे इस सरकार को बचाने के लिए अगर शिवसेना बाहर होती है तो? देखिए शिवसेना तो आजकल सिर्फ बातें करती है। मेरा ये कहना है कि जो पवार साहब ने कहा है वो 100% सच है। हम चुनाव के लिए तैयार है। मध्यवर्ती चुनाव अगर होते हैं तो हम सामना करने के तैयार है। बात रही शिवसेना और बीजेपी गठबंधन की, आप अगर देखें ध्यान से इनका जो पिछला रिकॉर्ड है ये कहते कुछ है करते कुछ है। 2014 में भी इन्होंने गठबंधन तोड़ दिया था, इलेक्शन होने के बाद सीटें आई तो गठबंधन साथ में आ गए और अभी सरकार में है। कल्याण डोंबिवली देखिए, वहां पर भी उन्होंने ऐसी बातें की थी, अब साथ में है। तो अगर किसी के बात पर अगर विश्वास नहीं करना हो तो बीजेपी और शिवसेना की बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए क्यों हो हमेशा दिशा भूल जो है उस तरह की राजनीति करते, लोगों को कहते हैं कुछ है और करते कुछ है। अभी एक बात रही बीजेपी की जाहिरनामा की, जो पार्टी खुद अपने जाहिरनामा में कहती है कि पिछले 20 सालों में जो कॉन्ट्रैक्ट जो दिए गए हैं 20,000 करोड़ के जो कॉन्ट्रैक्ट दिए गए उन्होंने खुद उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर सवाल खड़े किए। अभी जो पार्टी खुद सरकार में थी 20 साल से बीएमसी में उन्होंने खुद ये कॉन्ट्रैक्ट पे अगर सवाल खड़े किए हैं तो आप मुझे ये बताइए कि कौन सी जनता जो पार्टी खुद कबूल करती ऑन रिकॉर्ड। और इनका तो फेक एक बोलते ना एक जाहिरनामा में उन्होंने एक फेक बोलते नोटरी जैसा एक पेपर तैयार किया था उसी में कहती है कि वहां कुछ गड़बड़ हुई है कुछ प्रॉब्लम। ओके 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 क्लाइड ओके मैं आ लूंगा आपके पास लेकिन अब मेरे साथ कांग्रेस से सचिन सावंत थे और सचिन सावंत इस पूरे मुद्दे को कांग्रेस कैसे देख रही है, कांग्रेस कैसे इन सब चीजों को देख रही है, क्या कांग्रेस को ये लगता है कि शिवसेना जो कह रही है वो करेगी? देखिए मैं ये समझता हूं कि लोगों को मूर्ख समझते हैं ये लोग। जहां तक बात है दोनों पार्टियों की, ऐसे आश्वासन देते हैं, ऐसे सपने ख्वाब दिखा रहे हैं, सपनों की बारिश करते हैं लेकिन जब काम की बात आती है तो कामों का सूखा है। आज बीएमसी में दोनों साझा गठबंधन से 22 साल से कर रहे हैं, दोनों साथ में हैं और जब बीएमसी के एक भ्रष्टाचार का बड़ा केंद्र हो चुकी है, कोई भी विकास का एक काम, मुंबई जैसे आर्थिक राजधानी है देश की और बहुत ही अंतर्राष्ट्रीय ऐसा शहर है,
ऐसे वक्त में एक काम दिखाने के पास इनके पास नहीं है और इसी वजह से लोगों को गुमराह करने के लिए ये जो एक नौटंकी दिखाने की कोशिश हो रही है ये लोगों को समझ में आ रहा है। और जहां तक बात है ये पहले भी कर चुके हैं, अभी वो फिडेल कैस्ट्रो जी ने कहा कि विधानसभा चुनाव थे तभी भी ऐसा हो चुका था और कल्याण डोंबिवली में तो ऐसे ही मतलब राजीनामा का जो नाटक था वो भी खेल चुके हैं, गठबंधन छोड़ने की बात की, सभी कुछ कर चुके। और इसी वजह से हम ये पूरी तरह से मानते हैं कि ये जब चुनाव होने के बाद फिर से ये साझा गठबंधन में रहेंगे। शिवसेना जैसी लाचार पार्टी कोई हो नहीं सकती। जहां तक बात है भ्रष्टाचार के आरोप हो रहे हैं उनके ऊपर पूरी तरह से लांछन लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो अब तक वो सत्ता में क्यों बंधे हुए हैं? अभी तक तो उन्होंने इस्तीफा दे देना चाहिए था, सत्ता को छोड़ देना चाहिए था। अब तक तो कह रहे हैं उद्धव ठाकरे जी कि कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छी थी, तो अगर कांग्रेस की सरकार बहुत अच्छी थी और भारतीय जनता पार्टी एक भ्रष्टाचारी पार्टी है तो सत्ता में क्यों बंधे हैं? और जहां तक टाइम अप सचिन, टाइम अप नाउ, इट विल बी ओपन डिबेट और मैं आपके पास आऊंगा। अखिलेश तिवारी, साफ है आपके ऊपर सबसे बड़ा आरोप है कांग्रेस का भी और एनसीपी का भी कि आप कह कुछ रहे हैं लेकिन करेंगे कुछ नहीं और ये 25 साल पुराना रिश्ता ऐसे ही चलेगा, वरना अगर आपको करना होता तो सरकार में आपके मंत्री शामिल हैं, केंद्र सरकार में आपके मंत्री शामिल हैं, अभी तक किस बात का इंतजार हो रहा है? एक बीएमसी चुनाव है, ठीक है, बीएमसी चुनाव में जो आपको करना होगा कीजिएगा, लेकिन ये तो ज्यादा बड़े मुद्दे हैं। निश्चित तौर से महाराष्ट्र की जनता ने सबसे बड़ी पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया और दूसरे नंबर पे हम थे, तो इस तुरंत जब चुनाव हुआ तो ये जब महाराष्ट्र की जनता संधि का एक निमंत्रण दिया, क्योंकि जब एक हैं और तुरंत चुनाव कैसे होवे, तो एक समविचारी पक्ष होने के नाते गठबंधन हमारे पक्ष प्रमुख ने किया और निरंतर जो विकास की धारा है हमने लगातार सरकार को समर्थन दिया। रही बात लांछन की, तो कांग्रेस पार्टी भी बार बार जब इनकी सरकार थी मुंबई महानगर पालिका में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, तो आपने इंक्वायरी क्यों नहीं किया, दोषियों को सजा क्यों नहीं दिया? आज वही रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आ रहा है तो आरोप लगा रहे हो। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे, अखिलेश तिवारी लोग बिल्कुल नहीं समझ पा रहे, और क्यों ना इस बात को आप लोगों का एक आप लोगों के द्वारा बनाया गया एक पूरा ड्रामा देखें। आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया, आप कह रहे हैं उनके मंत्री के पास विभाग है, उसके बावजूद आप उनके साथ सरकार में बने हुए हैं। सर लोग क्यों ना माने ये कि सब बीएमसी चुनावों के लिए किया धरा गया है, लोग क्यों ना ये सवाल पूछे आपसे कि ये बीएमसी के 37,000 करोड़ के बजट पर अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए किया गया है? मैं आ रहा हूं आपके पास, क्रास्टो साहब आ रहा हूं, एक मिनट सुनिए। हेलो जी, बोलिए बोलिए। मैं कह रहा हूं कि यही 21 तारीख को मतदान होने दीजिए। ये झूठे जो पुलाव फेंके गए, आरोप लगाए गए, मुंबई का जनमानस शिवसेना को एक हाथ में सत्ता दे करके सबकी बोलती बंद, तो मतलब आप ये टेस्ट कर रहे हैं फिर, अगर आपके पास लोग आपके पास बीएमसी चुनाव में अगर आपके पास मेजोरिटी आती तो आप अलग हो जाएंगे वरना आप बने रहेंगे? आप ये टेस्ट कर रहे हैं, बीएमसी चुनाव आपके लिए एक टेस्ट है? से शिवसेना ने काम किया है, हाँ। और जिस प्रकार से मुंबई जनवासियों को दिया है, मुंबई वासियों को, इसलिए मुंबई वासी एक सत्ता एक हाथ सत्ता शिवसेना को देने वाले हैं। क्रास्टो कुछ कहना चाहते हैं? क्लैट क्रास्टो बोलिए, ठीक है अखिलेश जी, रुकिए अखिलेश जी, और ये सारे लोगों की बोलती बंद। गौरव जी बोलिए बोलिए। मेरे पास एक छोटा सा डेटा है, मैं आपको क्यों पढ़कर दिखाना चाहता हूं ताकि फिर कोई सवाल न पूछे, क्योंकि ऑथेंटिक डेटा और एक बड़े बड़े पेपर ने आपका एक ऑथेंटिक मुझे डेटा दिया है। अभी शिवसेना की बात करें, एक हाथ सत्ता की बात करें, पहले शिवसेना की बात करते हैं। 2002 में इनके पास 98 सीट थी, 98 सीट थी, और 2012 में 75 सीटें हो गई। अगर वोटों की संख्या भी देखें तो 28% थी 2002 में और 2012 में 21% हो गई। बीजेपी की संख्या 2002 में 35 थी, 9% वोट थे, और 2012 में 31 हो गए, 8% वोट थे। अब देखिए इनका ग्राफ नीचे आ रहा है, लोग समझ रहे कि ये दिशा भूल राजनीति कर रहे, भ्रम में रख रहे लोगों को, और लोग समझ गए। और ये बड़े भाई छोटे भाई का जो बात कर रहे हैं, सबसे बड़ी जनता होती है, जनता निर्णय करती है, जनता वोट देती है, जनता अपना मत रखती है कि कौन बड़ा भाई है कौन छोटा भाई, इसमें ये नहीं, सबसे बड़ी जनता है यहाँ पर, बड़ा भाई छोटा भाई की बात है। इनकी यही बात हो रही है कि हम बड़े, ये कह रहा है हम बड़े, और ये छोटे बड़े में ये जो मुंबई की जनता है, हाँ। उनको तकलीफ दे रहे,
उनको बोलता दे आर होल्डिंग द मुंबई कस्ट टू रैंसम, अपन हम बात ये कह सकते हैं। और मुंबई जो है इतने सालों में पीछे गई है, आगे नहीं बढ़ रही है और ये सब आगे बढ़ रहे हैं। और ठीक है, मुंबई पीछे गई, ये सब आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लेकिन सचिन सावंत ये आगे बढ़ रहे हैं और ये कहते हुए आगे बढ़ रहे हैं कि हम आप साथ छोड़ देंगे, लेकिन साथ नहीं छूट रहा है और बात गालियां एक दोनों एक दूसरे को दे रहे हैं, आरोप दोनों एक दूसरे पर लगा रहे हैं। देखिए, शिवसेना ने एक पुस्तिका निकाली है, एक बुक निकाली है, बुकलेट निकाल दिया कि जिसमें घोटालेबाज मंत्री दिखाए हैं, 21 मंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी के वो घोटालेबाज दिखाए हैं। जहां तक मुंबई महानगर पालिका की बात है, वहां डंपिंग घोटाला हो गया, वहां नाले का घोटाला हो गया, वहां रोड का घोटाला हो गया, बहुत सारी ऐसी महानगर पालिका देश में पहली होगी जिसका सीबीओ और चीफ इंजीनियर दोनों अरेस्ट हो गए और पूरा ये उत्तरदायित्व ये शिवसेना भाजपा का दोनों का जाता है और दोनों जगह पे ये भ्रष्टाचारी सरकार चला रहे हैं, मुंबई महानगर पालिका एवं यहाँ राज्य सरकार में। अब दोनों आरोप कर रहे हैं, दोनों भ्रष्टाचार का एक दूसरे का दोनों ने किया ऐसा मानते हैं, लेकिन फिर भी साथ में रह रहे हैं। और जहां तक शिवसेना की बात है, अब तक किसने रोका है? आप अगर पुस्तिका निकालते हो तो साथ में कैसे बैठे हो उन भ्रष्टाचारियों के साथ में? किस मुंह के साथ में आप लोगों के सामने जाओगे? और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, 22 साल साथ में रहे, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया तो होने दिया आपने, तभी भी लोगों के सामने जा रहे हो, तो ये पूरी तरह से अवसरवादी राजनीति का एक जो खेल है ये लोगों के सामने दिखाई दे रहा है। और इसमें सबसे बुनियादी जो बात है कि विकास के मुद्दे जो है, मुंबई के जो आम आदमी के प्रश्न है, इसको अभी बाजू में हटा सकते हैं, लोगों का ध्यान दूसरी जगह पे लगाना और इनके झगड़े पे लगाना, ये इनका स्वार्थ है। ठीक, और इसी वजह से इस तरह से एक नौटंकी खेली जा रही है। मैं उदय जी के पास जाऊंगा, कैस्ट्रो साहब रुकिए, मैं उदय जी के पास जाऊंगा, लेकिन कमेंट लेके रुके उदय गौरव जी, इनको 20 साल लग गए ये समझने को। गौरव जी एक क्विक पॉइंट मुझे देना है, कंप्लीट कीजिए। इन्हें 20 साल लग गए ये समझ आने को, गौरव जी इन्हें 20 साल लग गए ये समझ आने को कि जिनके साथ इनका गठबंधन था वो घोटालेबाज लोग हैं। ठीक है, 20 साल लग गए, ठीक है, और इस गठबंधन अभी भी है, गठबंधन अभी भी है, तब हम जाकर बोल रहे हैं कि अब ठीक है, गठबंधन अभी भी है। लेकिन उदय जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले जफर इस्लाम से एक क्विक रिएक्शन लेना चाहता हूं मैं। जफर इस्लाम, आप देख रहे हैं किस तरह से दोनों विपक्षी पार्टियों ने आपके निशानों आपको निशाने पर लिया हुआ है, लेकिन मैं इन दोनों विपक्षी पार्टियों की बात नहीं करूंगा, मैं बात तो करूंगा आपके अलाई की, शिवसेना की। और उद्धव ठाकरे का एक बयान पढ़ के आपको सुनाना चाहूंगा जो उन्होंने अपनी रैली में कहा। उन्होंने कहा कि गठबंधन के लिए किसी के दरवाजे पर कटोरा लेकर नहीं जाऊंगा, जो कुछ होगा वो मेरे शिवसैनिकों का होगा और मेरा शिवसैनिक शिवसेना के साथ गद्दारी नहीं करेगा, अब लड़ाई शुरू हो चुकी है। क्या मतलब निकालें सर इसका, कौन आपके दरवाजे पर कटोरा लेकर खड़ा है? और जब उद्धव ठाकरे इस तरह की जहर बुझी बातें कहते हैं तो भी आप उसको बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं? गौरव जी देखिए, मैंने पहले भी कहा था, देखिए दो विपक्षी पार्टियां जो है एनसीपी एंड कांग्रेस, इनका तो कोई वजूद ही नहीं है या और ना तो ना इनका कोई जनाधार है, वहां की जो लोकल पॉपुलेशन है बॉम्बे की या थाने सर, मेरे में, सवाल का जवाब दीजिए ना, उद्धव ठाकरे जो कह रहे हैं उस पर क्या कहना है आपका? किसी नहीं, इन दोनों के तो मैंने कहा ही नहीं, इन दोनों पे आप बाद में बताइएगा, उसी पर आ रहा हूँ। तो इन इन पार्टी को इन पार्टी के स्पोक्स पर्सन का कॉमेंट इररिलेवेंट है। जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी, नहीं नहीं, जहां तक बात है शिवसेना के प्रमुख जो है उद्धव ठाकरे का, सवाल किया गया उसका जवाब दीजिए ना, इररिलेवेंट वो बेहतर समझा सकते हैं कि उनकी स्थिति, आप इररिलेवेंट जवाब दे रहे हैं, जो सवाल नहीं मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब ये ना, अरे सुन तो ले लिए, इररिलेवेंट जवाब मत दीजिए, मैं कह रहा हूँ पूछा उसका जवाब दीजिए ना, जो जब वो जो जवाब जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसको सही से शिवसेना के स्पोक्स पर्सन बताएंगे। लेकिन जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी जो है कोलिशन धर्म पे बिलीव करती है, जो अपनी स्ट्रेंथ को सर, कोलिशन धर्म क्या होता है? कोलिशन धर्म क्या होता है जफर इस्लाम? जफर इस्लाम, कोलिशन धर्म ये होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर जबरदस्त आरोप लगाए, आपके सांसद उन पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और फिर भी कोलिशन में दोनों बने रहे, ये कोलिशन धर्म होता है। देखिए देखिए फिर आप हमारी पार्टी, गौरव जी सुन लीजिए, हमारी पार्टी लोगों की सेवा के लिए है, लोगों के एस्पिरेशन को समझती है और लोगों के सेवा के लिए अगर और उनके एस्पिरेशन को समझते हुए अगर किसी चीज को बताना है, लोगों के बीच में लेके जाना है, तो हमारी पार्टी हिचकिचाती नहीं है। जहां तक अलायंस पार्टनर का सवाल है, अलायंस पार्टनर को भी हमारी नीतियों के साथ
उसी तरह से चलना पड़ेगा कि ये नीति जो है वो उनकी जो एक्सपेक्टेशन है पब्लिक की उसके बिना पे बनती है और हम उनके सर ठीक है ये सारी बातें हम समझ रहे हैं ये सारी बातें हम समझ रहे हैं जफर इस्लाम लेकिन कम टू द पॉइंट सर कम टू द पॉइंट ये कोलिशन किस तरफ जा रहा है उदय जी मैं आपके पास आऊंगा सर ये तो इनकी मजबूरी है और मुझे बड़ा अच्छा एक बयान याद आता है मनमोहन सिंह का जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने एक मिनट सर रुकिए उन्होंने कहा था कि हर गठबंधन की अपनी मजबूरियां होती हैं तो क्या सर ये इन दोनों पार्टियों की मजबूरियां हैं क्योंकि शिवसेना को चाहिए अगर महाराष्ट्र में अगर सरकार चलानी है तो बीजेपी को शिवसेना चाहिए और शिवसेना को कुछ अगर रहना है पावर में तो उनको बीजेपी का सहारा चाहिए आपने बिल्कुल बात सही फरमाई अगर इन दोनों पार्टियों को अगर एक बात का एहसास हो जाए कि खुद के बलबूते पर अगर वो चुनाव जीत सकते हैं चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का हो या फिर मुंबई महानगर पालिका का हो एक दिन भी एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे ना शिवसेना बीजेपी के साथ रहेगी ना बीजेपी शिवसेना के साथ रहेगा अगर अपने दम पे जीतने वाले हैं तो एक दिन भी हिंदुत्व वगैरह सब नाम की बातें हैं इसका कोई मतलब नहीं है जिस दिन शिवसेना को यह एहसास हो जाएगा कि हम अपने बलबूते पे 114 सीटें ला सकते हैं वो बीजेपी को कतई अपने बाजू में भी नहीं खड़े करेंगे और बीजेपी इनको नहीं खड़ा करेगा सेम विद कांग्रेस अब ये जो बोला गया कि अब शिवसेना घटती जा रही है कांग्रेस बढ़ती जा रही है एक सीधी बात मैं आपको बताता हूं पिछले चुनाव का अगर वोटिंग पैटर्न देखा जाए तो 27.5% वोट कांग्रेस और एनसीपी को मिले थे और 28.5-29% वोट शिवसेना और बीजेपी को मिले थे इसका यह मतलब है कि दोनों में जो फासला है वो फासला बहुत कम है लेकिन अगर आप सीटों का अंदाजा लगाएं तो 76 सीटें शिवसेना को मिली थी और 31 सीटें बीजेपी को मिली थी और एनसीपी को महज 13 सीटें और कांग्रेस को 51 सीटें इसका मतलब है 64 सीटों पर कांग्रेस एनसीपी थी और 100 से ज्यादा 1.5% में कितना फर्क पड़ गया देखो 1.5% में कांग्रेस शिवसेना और बीजेपी एक 100 के आगे निकल गए 110 तक पहुंच गए तो ये फर्क है बिकॉज ऑफ द डिवीजन ऑफ वोट्स ये आज की हालत है जो सर, भी एक चीज और यहाँ पर इस पूरे इर्द-गिर्द कम कमाएगा वो चुन के आने वाला है सर बिल्कुल और इस पूरे ट्रायंगल में शरद पवार का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है क्योंकि लगातार शरद पवार चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं खबरों में बने हुए हैं और सर आप तो उनको अच्छे तरीके से समझते हैं कितने माहिर खिलाड़ी हैं सियासत के इससे पहले ये संकेत देना कि एनसीपी बीजेपी के साथ आ सकती है और आज फिर आउटराइटली ये कहना कि मध्यावधि चुनाव के लिए हम तैयार हैं क्या मतलब निकाले और एनसीपी का कितना इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं आप इस पूरे मामले में अब एनसीपी का रोल मुंबई महानगर पालिका में कोई नहीं है बिकॉज एनसीपी का कोई स्थान आज यहाँ पे मजबूत नहीं है ये तो बात बड़ी स्पष्ट है चुनाव मध्यावधि नहीं हो सकते क्योंकि चुनाव मध्यावधि किसी को चाहिए ही नहीं अगर आप बीजेपी को पूछेंगे शिवसेना को पूछेंगे तो कोई भी उसका पार्षद जो है वो आगे आके ये नहीं कहेगा कि हमको चुनाव चाहिए क्योंकि 2.5 साल अभी बाकी है 2.5 साल इनके कमाई के बाकी है अब तो सत्ता मिल गई है अब तो सत्ता के फल भुगतने का टाइम आ गया है अब उस वक्त सत्ता के फल काट के अपने पैर पे कुराड़ी कौन मारेगा ये बिल्कुल मध्यावधि चुनाव नहीं हो सकता इस महाराष्ट्र में आप लिख के ले लो सिर्फ खाली धमकी देने की बात है ठीक है और उसके बाद जब उद्धव ठाकरे कुछ कहते हैं तो देवेंद्र फडणवीस ट्वीट करके कहते हैं कि नोटबंदी का असर क्या आप पर भी पड़ा क्या और ये बड़ा फिर होता है कि ये हो क्या रहा है एक छोटा सा रिएक्शन इस पर भी उदय जी क्या देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच वो इक्वेशन नहीं है वो केमिस्ट्री नहीं है जो पहले बीजेपी और शिवसेना के नेताओं के बीच दिखती थी क्या वो केमिस्ट्री की भी कमी दिखती है यहाँ पर उसके बाद हम उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू भी दिखाएंगे उद्धव ठाकरे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे पास जो पहला जनरेशन का जो कॉर्डियल रिलेशन था जिसमें बाला साहब थे प्रमोद महाजन थे अडवाणी जी थे और अटल जी थे वो सेकंड जनरेशन में उसी तीव्रता से आप हम नहीं पाएंगे और हालात भी बदल गए हैं बीजेपी को अपने ताकत का अंदाजा आ गया है शिवसेना को वो छोटा भाई मानता है और शिवसेना कहती है कि हम मुंबई कॉरपोरेशन में बड़े भाई है ये वर्चस्व की लड़ाई है वर्चस्व की लड़ाई में ये पुराना भाईचारा जो होता है पुरानी रिश्तेदारी होती है उसको याद रखने का कोई
मतलब नहीं होता, एक सीधी सी बात है, 38,000 करोड़ की तिजोरी है, वो तिजोरी की चाबी किसके पास है? ठीक है, मैं आप सभी को बता दूं कि उद्धव ठाकरे से जी मीडिया ने बात की है, उद्धव ठाकरे ने बहुत बड़ी बड़ी बातें कही है, वो बस हम थोड़ी देर में दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल मैं जफर इस्लाम से ले लूं। जफर इस्लाम बोल रहे थे मुझे कुछ कहना है। जफर इस्लाम, आप बड़ी अच्छी बातें कह रहे हैं, सुनने में बड़ी अच्छी बातें लगती हैं। आप ये कह रहे हैं कि हम संयम बरतते हैं, हम बड़े भाई हैं, हम यहां पर गठबंधन धर्म निभाते हैं, तो गठबंधन धर्म क्यों नहीं निभाया जब आपको 60 सीटें दे रही थी शिवसेना बीएमसी में? क्यों आपने मना कर दिया कि हम 60 सीटों पर नहीं लड़ेंगे? जाते गठबंधन धर्म निभाते और साथ में लड़ते, फिर क्यों अलग हो गया? नहीं गौरव जी, देखिए हर पार्टी की अपनी नीति होती है, अपनी स्ट्रेंथ होती है। लोगों के में जो लोकप्रिय है वो आज भारतीय जनता पार्टी है। लोगों ने आप 2014 सर अभी आप कह रहे हैं हम गठबंधन धर्म निभाते हैं, हमने कहीं कोलिशन नहीं तोड़ा, अब आप कह रहे हैं पार्टी की अपनी नीति होती है। एक मिनट सर, एक बात कहिए, एक मिनट सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए गौरव जी। तो उसके बिना पे हमारे कोलिशन का एक अंडरस्टैंडिंग है कि जितने साइंटिफिक मेथड है, फॉर्मूला है, हम सिर्फ उस फॉर्मूला को फॉलो कर रहे हैं जो हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग है। उसमें चाहे 60 सीट है चाहे 160 सीट है, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन आज तो आप खोल के कहिए कि विधानसभा के वोटिंग पैटर्न और विधानसभा के एवरेज के हिसाब से हमको बीएमसी में भी सीट चाहिए, वो शिवसेना नहीं दे रही है, अलग हो गए। ये तो मेरा फॉर्मूला, ये तो अंडरस्टैंडिंग है, ये तो आप खुल के कहिए ना, फिर आप क्यों गठबंधन धर्म की दुहाई दे रहे हैं? हम तो ये अंडरस्टैंडिंग है गौरव जी, जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है दो अलायंस पार्टनर के बीच में, उसको ऑनर कर रहे हैं हम। गौरव जी मैं आ रहा हूं, साइंटिफिक फॉर्मूला के बेसिस पे हमारी अंडरस्टैंडिंग है, उसको हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे हमको जितनी सीटें मिलनी चाहिए उतनी सीटें हमें मिलनी चाहिए। मैं उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक रिएक्शन दोनों विपक्षी पार्टियों से ले लूं। उस चीज को नहीं मान रहा है। मैं उद्धव ठाकरे का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन आप दोनों से। पहले क्रेस्टो साहब आपसे, फिर सावंत साहब आपके पास आता हूं। क्रेस्टो साहब, क्या एनसीपी वाकई मध्यावधि चुनाव के लिए तैयार है, और क्या आपको लगता है चुनाव होंगे? हम तैयार है, लेकिन गौरव जी मैं एक क्विक बात है ना डॉक्टर उदय निर्गुणकर जी से कहना चाहता हूं। डॉक्टर निर्गुणकर जी को मैं बहुत हाईली रिस्पेक्ट करता हूं, और शायद उनके जैसा जो राजनीति कोई समझ नहीं पाता होगा यहाँ पर। लेकिन सर मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ, आपने ये कहा कि एनसीपी का कोई इम्पोर्टेंस नहीं या रेलेवेंस नहीं है, सर ये बात सिर्फ समय बताएगी कि हम कितने इम्पोर्टेंट और हमारा रेलेवेंस क्या है। ठीक है, लेकिन आप इस इतने अरे भाई समय बता रहा है, सिमटती हुई पार्टी है समय बता रहा है। चलिए ठीक है, सावन साहब लेकिन सचिन सावन बीजेपी कहां सिमट कर रही है? भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का जो मुद्दा उस पे बात करें, बाकी हम एक करके वन बाय वन महानगर पालिका में कोई महत्व नहीं है, ये बात कही है। वन बाय वन जफर इस्लाम होल्ड ऑन रुके उदय जी, मैं आता हूँ, बस सचिन सावंत की बात पूरी जाए। सचिन सावंत बोलिए जल्दी। देखिए भारतीय जनता पार्टी विश्व स्तर की झूठी पार्टी है, जहां तक बात आई इनको, इनके जो नेता हैं नरेंद्र मोदी जी हो, देवेंद्र फडणवीस जी हो, इनको गिनीज बुक में इनका नाम शामिल होना चाहिए झूठेपन में। अब इसका सिफारस अगर हो, कोई प्रमाण देना है तो बिहार की जनता भी दे सकती है और कल्याण डोंबिवली की जनता भी दे सकती है। वहां जो आश्वासन देते हैं 6,500 करोड़, देवेंद्र फडणवीस जी ने आश्वासन दिया था कल्याण डोंबिवली के चुनाव में 6,500 करोड़ रुपया देंगे, वो कोई साबित नहीं हो पाया। बिहार की जनता को 1,25,00,000 मिले नहीं, ये चुनाव के पहले बहुत बड़ी ऐसे आश्वासन देते हैं, बहुत बड़े खाब दिखाते हैं। लेकिन जहां तक बात है कि चुनाव के बाद में पूरी तरह से इसको भुला देते हैं, जहां तक बात है इन दोनों की, ये दोनों लोग ये अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं, इनके पास कोई ऐसा कोई दिखाने लायक काम नहीं आपका है, इतिहास और ये दोनों के लिए हेल्प कर रहा है। लोगों को फायदा यही से है कि जनता इस पे आपको ध्यान न दे, कि हमसे उनसे न पूछे कि क्या किया आपने, काम क्या किया, आप भ्रष्टाचार में साथ में क्यों थे, इसके बारे में न पूछे, फिर बताते रहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन तोड़ना चाह रहे हैं या ये करना चाह रहे हैं, हम राजीनामा लेके बैठ रहे हैं। ये दोनों का अगर देखा जाए तो ये अवसरवाद दिखाई देता है, अकार्यक्षमता दिखाई देता है। सबसे बड़ा फेलियर है कि आज लोगों के सामने ये विकास का काम लेके नहीं जा पा रहे, तो इसी वजह से इनका नाम गिनीज बुक में ना देना चाहिए, ये पूरी तरह से चले विश्व स्तर के झूठे लोग हैं। ठीक है उदय जी आपसे एक रिएक्शन, फिर उसके बाद उद्धव ठाकरे का इंटरव्यू। उदय जी क्या वाकई यहाँ पर जो बात निकल कर सामने आ रही है, केवल एक
ये पूरा पूरा ये पूरा एपिसोड बीएमसी चुनाव तक ही सिमट जाएगा और बीएमसी चुनाव के बाद सब शांत हो जाएगा। जरा हमारा व्यूअर समझ नहीं पा रहा सर, आप उसको सरल भाषा में समझाइए, ये पूरा मामला क्या वाकई बीएमसी तक ही सीमित है? बीएमसी तक ही सीमित है, 23 तारीख के रात को सब मिलजुल जाएंगे और राजनीति का एक नया चरण आपको दिखाई देगा। नोबडी इज ए स्ट्रेंज पार्टनर ओवर हियर, एवरीबडी अंडरस्टैंड्स एवरीबडी। मेरी आलोचना से मेरे एनसीपी के मित्र दुखी हुए हैं, लेकिन वो सत्य से मोड़ रहे हैं खुद को। आप समझ लीजिए, थाना में आपको 19% वोट मिले थे, आपको पूना में 25% वोट मिले थे, नागपुर में आपको 4% वोट मिले हैं, पिछले टाइम मुंबई में आपको सिर्फ 8% वोट मिले हैं। आपके मुंबई से कितने एमएलए चुन के आए, कितने सांसद चुन के आए, आपके कितने नगर सेवक लास्ट टाइम चुन के आए थे? मैंने धनंजय मुंडे का इंटरव्यू किया, मैंने अजीत पवार जी का इंटरव्यू किया, मैंने आपके सुनील तटकरे का इंटरव्यू किया, सबने मेरे इंटरव्यू में ये स्पष्ट रूप से माना कि हम मुंबई में अपना संगठन खड़ा नहीं कर सके, मुंबई के लिए हमारे पास चेहरा नहीं है, ये हमारी कमजोरी है, इसको हम पूरी तरह से मानते हैं। वही बात मैंने कही है, मैंने अपने दिल से कुछ नहीं कहा है, सेफोलॉजी के आंकड़े और आपके नेताओं की कथनी को मैंने सिर्फ आपके सामने बताया। इससे आप अगर आप दुखी होते हो तो दुखी हो, लेकिन इससे सत्य नहीं बदला जाएगा। नहीं सर, आज टीवी पे इतना सच भी नहीं बोल सकते ना, राजनीति में अगर इतनी सच्चाई होती सर, तो फिर आज हम इतनी दुखी अच्छी नहीं राजनीति देख रहे होते, फिर हम ये बातें नहीं कर रहे होते। आप इसे कैस्ट्रो साहब की भी एक मजबूरी है, उसको भी सर, हमें समझना पड़ेगा। सर आप इसे पर्सनली ना लीजिए, मैं इसमें कोई दुखी बात नहीं है, आपने सत्य बयान किया और आप जो कह रहे हैं मैं मानता हूं, ये इंटरव्यू मैंने भी देखा है, लेकिन समय हमेशा वही नहीं रहता, समय में परिवर्तन आता है और परिवर्तन चलिए समय कैसा आप ये दिखाते हैं, समय कैसा है मिलूंगा, समय कैसा ये दिखाते हैं आपको। और उद्धव ठाकरे ने इसी समय पर क्या कुछ कहा है, उद्धव ठाकरे से जब जी मीडिया ने बात की और जब हमने उनसे पूछा कि क्या आप बीजेपी के रिश्तों पर आप क्या कहना चाहेंगे, बीजेपी को लेकर आप क्या कह रहे हैं, तो उन्होंने क्या कहा हमारे ब्यूरो चीफ जो जी मीडिया के मुंबई के ब्यूरो चीफ हैं डॉक्टर संजय सिंह से ये सुनिए आप। देश के बहुत सारे राज्यों के अंदर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, उसके साथ ही महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव हो रहे हैं और इसमें खासकर मुंबई महानगर पालिका का चुनाव है। मुंबई महानगर पालिका देश की ना सिर्फ सबसे अमीर महानगर पालिका है, जबकि क्योंकि इसका बजट जो है बहुत सारे राज्यों से ज़्यादा, और साथ ही यहाँ जो वोटर की संख्या है वो भी कई सारे राज्यों से ज़्यादा है। और इस चुनाव में बीएमसी में साल दर साल हर बार जो काबिज होती रही है वो शिवसेना रही है, एक बार फिर से शिवसेना लड़ रही है बीएमसी का चुनाव अपने अकेले के बूते पर। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी। उद्धव जी बताइए, पूरे देश की नज़र और खासकर इस बात की नज़र है कि विधानसभा चुनाव में ऐसा हुआ था कि आप लोगों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, आपने और भाजपा ने, और दोनों ने प्रचार के दौरान एक दूसरे को काफ़ी खरी खोटी सुनाई, लेकिन उसके बाद जब सत्ता बनाने की बारी आई तो वापस से हाथ मिला लिया। अब फिर से लगता है कि एक्शन रिप्ले देखने में मिल रहा है कि अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं और प्रचार में एक दूसरे के खिलाफ इतना कह रहे हैं, क्या बाद में वापस से हाथ मिला लेंगे जब सत्ता बनाने की बारी आई? जरूरी नहीं कि हमेशा एक ही अनुभव आपको हो जाए। निश्चित रूप में विधानसभा के चुनाव के दौरान ऐसा हुआ था, लेकिन उस समय एक अलग मानसिकता थी हमारी। 25 साल की युति बीजेपी ने तोड़ी थी, हमारी मानसिकता नहीं थी, क्योंकि 25 साल हमारा एक रिश्ता हुआ था, सिर्फ वो जगहों का बंटवारा नहीं था, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे पारिवारिक संबंध थे प्रमोद जी के साथ, गोपीनाथ जी के साथ, नितिन जी है, आडवाणी जी है, अटल जी है, उनके परिवार से आज भी हमारा रिश्ता है, और वो रिश्ता तोड़ना एक दिल के लिए बहुत कठिन काल था, दिल मानना कठिन काल था वो, और तो भी बीजेपी ने युति तोड़ी। उन्होंने तब ये सोचा था कि उस वक्त तो बाला साहब नहीं रहे थे, एक दो साल ही हुए थे, और उन्होंने सोचा कि अब तो बाला साहब नहीं है, अब मौका है सेना को ख़त्म करो। और ये बात मैंने नहीं, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने कही है कि उन्होंने जो बात सुनी वहाँ पर, जो चर्चा चल रही थी वो सुनी। खैर वो बाद में मुझे पता चला, लेकिन चुनाव के बाद मैंने देखा कि युति तो तोड़ी उन्होंने, ठीक है। बहुत साल का एक हमारा सपना था कि कांग्रेस नहीं चाहिए, वो सच हुआ था, कांग्रेस तो सत्ता के बाहर गई थी, एनसीपी और कांग्रेस। तो मैंने सोचा चलो जाने दो, अपना खुद का मान सम्मान पल भर के लिए बाजू में रखते हैं और नई शुरुआत अगर हो सकती है तो करें। तो ये हमने खास इसमें से क्लिप निकाली और मैं यहाँ पर अब आऊंगा अखिलेश तिवारी आपके पास। अखिलेश तिवारी, उद्धव ठाकरे साफ साफ कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको अनुभव दोबारा वही हो, तो इस बार क्या अनुभव होने वाला है? मेरा अनुभव स्पष्ट है, हमारे पक्ष का स्पष्ट है, 23 तारीख को मुंबई में 1 से 25 सीट जीत करके और महाराष्ट्र के 10 महानगर पालिकाओं में भगवा फड़काएगा। इसी संकल्प के साथ सारे शिवसैनिक
दिनों रात काम पे लगे। नहीं, लेकिन जैसा कि हमारे जो ब्यूरो चीफ है उन्होंने साफ पूछा, तो क्या वाकई आपका जो एक सपना था कांग्रेस को हम ना लाएं, वो एक सपना सच हो गया? दूसरा सपना जो था कि महाराष्ट्र में शिवसेना की फुल फ्लेजेड सरकार बने, उस सपने के पास तो आप दिखते नहीं, आप तो उस सपने से और दूर जाते दिख रहे हैं। ऐसे में अगर बीजेपी से आप साथ तोड़ लेंगे और कोई पार्टी आपके साथ इतनी करीब दिखती नहीं, तो वो सपना कैसे पूरा होगा? निश्चित तौर से इस समय चुनाव चल रहा है, युति हमारी टूटी है, अभी हमारा एक ही लक्ष्य है, हमारे पक्ष का एक ही लक्ष्य है। आज जिस प्रकार से मुंबई वासी, थाना वासी, कई महानगर पालिका, जिस प्रकार से शिवसेना पक्ष प्रमुख के प्रति, शिवसेना के प्रति जो निष्ठा दिखा रही है, हम लोग गली गली चौराहों पर जा रहे हैं, जिस प्रकार से हमें समर्थन मिल रहा है, शिवसेना ने जो 20 वर्षों से काम किया है, लेकिन इतनी बार आप लोग इतनी बार ये धमकी दे चुके हैं गठबंधन तोड़ने की, अखिलेश जी सुनिए, शिवसेना की रही, अखिलेश जी सुनिए, उसके लहजे से हम अस्वस्थ हैं। अखिलेश जी, 25 सालों में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से लेकर बीएमसी चुनाव तक आ चुके हैं हम लोग। अखिलेश जी सुनिए, अखिलेश जी, विधानसभा चुनाव से बीएमसी चुनाव तक पहुंच गए हैं, और मेरे ख्याल से दर्जनों बार आपके और आपके नेताओं ने इतनी बार धमकी दी। कोई कहता है हम इस्तीफा जेब में लेके घूमते हैं, कोई कहता है कि हम कटोरा लेकर भीख नहीं भागेंगे, लेकिन उसके बावजूद वो चीज कभी मैटरलाइज नहीं होती, कभी हम उसको नहीं देखते कि वो आपने कभी अपनी कई बातों पर कहा। लोग तो ये तक कहते हैं, लोगों का आरोप है कि गीदड़ भक्ति है, इसके आगे कुछ नहीं। ये गीदड़ भक्ति नहीं है, शिवसेना सत्ता भोगी नहीं रही है और वोटों के लिए राजनीति नहीं की है। नहीं तो इसके पहले अगर अवसरवादिता की शिवसेना अगर राजनीति की होती तो बहुत पहले राजनीति सत्ता में आ जाती। हमें सिर्फ सेवा करना आती है और स्पष्ट बोलने आता है, चाहे उसमें हमें राजनैतिक फायदा हो या नुकसान हो, लेकिन देश तो सर, हित में 23 मार्च का या 19 मार्च का इंतजार क्यों कर रहे हैं आप? वो पार्टी जो आपको भ्रष्टाचारी बता रही हो, वो पार्टी जो कह रही हो कि बीएमसी पर आपने सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार किया, उस पार्टी के साथ सरकार में आप गठबंधन में क्यों है? सुनिए, ये निर्णय मुंबई की जनमानस, मुंबई की जनता और सारी जो 10 महानगर पालिकाओं में हमारे महाराष्ट्र की जनता आशीर्वाद के तौर पर शिवसेना को दे करके ये आरोप लगाने वाले का हमेशा मुंह बंद करने का काम इस समय जनता का है। हम लोग जनता के पक्ष में जा करके इनके निराधार का आरोप, जफर इस्लाम तैयार है जनता के सामने। जफर इस्लाम, जिस दिन बीएमसी में शिवसेना की मेजोरिटी आई, आपसे गठबंधन टूट जाएगा, राज्य सरकार में भी शिवसेना साफ कह रही है हम गठबंधन जी। पहले आप सुनिए, जो समय चल रहा है, जो विषय चल रहा है महानगर पालिका, 23 तारीख को शिवसेना की विजय यात्रा, उसी पर चर्चा कीजिए। बाकी नहीं, चर्चा किस पर करनी है ये मत बताइए, चर्चा तो हम राज्य सरकार पे भी करेंगे, केंद्र सरकार पे भी करेंगे, लड़ रहे हैं हम तो राष्ट्रपति चुनाव पे भी चर्चा करेंगे। अखिलेश जी, महानगर पालिका, अखिलेश जी आप बच क्यों रहे हैं उस चर्चा से? अखिलेश जी आप उस चर्चा से बच क्यों रहे हैं जी? उस चर्चा से बचिए मत ना, उस चर्चा नहीं रहे हम, स्पष्ट कह रहे हैं। नहीं, स्पष्ट नहीं कह रहे आप महाराष्ट्र महानगर पालिका पे आ गए, राज्य सरकार पे चर्चा से क्यों बच रहे हैं आप? क्योंकि वहां पर जो लोगों का आरोप है वो सच हो जाएगा। राज्य सरकार पर सुनिए, राज्य सरकार पर समर्थन लेना है कि नहीं लेना है, ये हमारे पक्ष प्रमुख लेंगे। हाँ। उसका आदेश, जैसे हमारे पक्ष प्रमुख का आदेश आएगा, हमारे सारे मंत्री इस्तीफा दे देंगे, सरकार से बाहर होंगे। वो तो इस्तीफा जेब में लेके घूमते हैं आप, तो इस्तीफा जेब में लेके घूमते हैं आपने, आपके एक मंत्री का मैंने ये सुना था। लेकिन जफर इस्लाम, आप जवाब दीजिए, जफर इस्लाम, क्या जफर इस्लाम? देखिए तिवारी जी बहुत भावुक लग रहे हैं, नहीं तिवारी जी बहुत भावुक लग रहे हैं, जो धरातल में जो स्थिति है शिवसेना की वो उनको अच्छे से मालूम है, इस तरह से भावुक होकर बोल रहे हैं लोगों को समर्थन पाने के लिए। लेकिन लोग वहां पर बिल्कुल एक चेंज चाहते हैं और शिवसेना को बिल्कुल नहीं, इस बार उनको बड़ा खट्टा एक्सपीरियंस होने वाला है, और ये तिवारी जी अच्छे से जानते हैं। सर, उन्होंने लड्डुओं को ऑर्डर दे रखा है, आप उनको खट्टा एक्सपीरियंस दिला रहे हैं। पार्टी है, उन्होंने विजय रथ का तैयारी कर रखी है, आप उनको खट्टा एक्सपीरियंस दिला रहे हैं। बॉम्बे हो, थाने हो या और कोई भी सिटी हो, सब जगह भारतीय जनता पार्टी सबसे लोकप्रिय पार्टी है, लोगों को एक विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में, और शिवसेना को जितना भी ये कह दे इस बार बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस होगा, इसलिए कि लोगों को चेंज चाहिए, लोग बिल्कुल
कहीं ना कहीं शिवसेना से बिल्कुल उकता गए हैं और वो चाहते हैं एक ऐसी पार्टी जो अच्छी गवर्नेंस दे, बीएमसी में जो एक बार बार करप्शन का मुद्दा आता है उससे हटकर ऐसी ऐसी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन हो जो कि लोगों के लिए काम करे, जनता के हित में काम करे। जो अब तक शिवसेना असफल रही है करने में, असफल रही है, और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल हर चीज के लिए तैयार है, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ सिर्फ सेवा सेवा के भाव से जाती है लोगों के बीच में और उसी भाव से जाएगी। लेकिन तिवारी जी आज बड़ी बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं है, लोगों का विश्वास आपसे उठ चुका है। ओके ओके, भारतीय जनता पार्टी आशा के तौर पे देखते हैं और उसी आशा के तौर पे हम लोग वहाँ पर सेवा करके उनको वहाँ की जनता निराश है, उनको भी उनको एक अच्छा सेवा करके हम लोग उनके पीछे जाएंगे। अखिलेश जी ओके, आप सारी बातें कर लीजिए तिवारी जी। ओके ओके अखिलेश जी, जफर इस्लाम ओके 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 ठीक है। सावन साहब आपके पास आऊंगा। सावन साहब की जनता ओके चेंज चाहती है, शिवसेना फ्री सर BMC. क्या चेंज चाहती है? मुंबई में चेंज कर देंगे, बाकी महाराष्ट्र वाले चेंज नहीं चाहते? वहां भी तो चेंज करिए। एक करप्ट पार्टी बीएमसी में उसके साथ आप नहीं है, लेकिन राज्य सरकार में आपके हिसाब से उस करप्ट पार्टी के साथ आप हैं। सावंत साहब, ये कैसा चेंज चाहती है मुंबई की जनता? जहां तक सचिन सावंत, स्टेट गवर्नमेंट का सवाल है, स्टेट गवर्नमेंट सर। आप रुकिए, आपका टाइम, ये दोनों पार्टियां, आपका टाइम हो गया। गौरव जी मैं पहले से कह रहा हूं कि दोनों पार्टियां जनता को मूर्ख समझती हैं। मैं आ रहा हूं, गए ढाई साल में इन्होंने जो नीतियां अपनाई हैं ये लोगों को पूरी तरह से गुमराह करने वाली नीतियां थी। लोगों का कुछ फायदा नहीं हो रहा था, सिर्फ खाबों को बुनते हैं, बहुत तो बड़े-बड़े खाब दिखाते हैं। सर मुझे लग रहा है कि जनता जो 2014 में था, जो निर्णय आया था, वो कायम निर्णय इनके पास रहेगा। कांग्रेस को, लेकिन आज की परिस्थितियां बदलती जा रही है, क्यों नहीं समझती नरेंद्र मोदी जी हो, कांग्रेस को मुंबई की जनता क्यों नहीं समझती कि वो उसका भला कर सकती है? आप तो कहीं नहीं टिकते इनके सामने, ना विधानसभा में टिकते हैं, ना बीएमसी में टिकते हैं। इतना आप इन दोनों पार्टियों को निशाने पर ले रहे हैं। गौरव जी रुकिए जफर इस्लाम रुकिए जिस पार्टी के लीडर आपस में लड़ रहे हैं, जफर भाई लोगों का क्या अहंकारी आपको लेके डूबने वाला है, जो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर आ रहा है या देवेंद्र फडणवीस जी के ऊपर आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आ रहा है कि लोकतंत्र में लोगों को पूरी तरह से आप समझ रहे हैं कि अपने साथ कायम रहे जो है, ये जनता है, ये सब जानती है, आपका चेहरा दिखाई दे रहा है उनको। आप पार्टी अलग अलग लोग अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, ऐसे में क्या जनता आप पे भरोसा करेगी? जो गरीब आदमी यहाँ से फंसा हुआ नजर आ रहा है, गरीब आदमी अपने आप को असहाय समझ रहा है, उसका जवाब निश्चित तौर पर देगी। और 2014 का चुनाव, ये एक चुनाव से पूरी तरह से जफर इस्लाम रुकिए नरेंद्र मोदी में बहुत अंतर है। हाँ ठीक है, 2014 2017 और 2009 के चुनाव देखिए, जब 6 के 6 कांग्रेस पार्टी के वहां सांसद आए थे मुंबई में, 6 के 6 सांसद मुंबई में कांग्रेस पार्टी के थे, विधानसभा में सबसे ज्यादा सदस्य कांग्रेस पार्टी के थे। ये कोई परिस्थितियां कायम नहीं रहती, लोगों का भरोसा है, लोग बदलते हैं, लोगों की सोच बदलती है, और आपका झूठापन है जो सामने आ रहा है, लोग अपने आप ही सोच रहे हैं। ओके ओके ओके, बना रहे हैं सचिन सावंत, और हमें हमारा सर आपका टाइम हो गया जो है सर, आप रुकिए सर, आप जफर इस्लाम रुकिए क्रेस्टो साहब से एक छोटा कमेंट लेके उदय जी आपके पास आता हूँ। क्लाइड क्रेस्टो एनसीपी की हालत भी सही नहीं है, मात्र 14 सीटें। उदय जी की बात बिल्कुल सही उतरती है, मात्र 14 सीटें। ऐसे में आप शिवसेना को कैसे चैलेंज कर रहे हैं, बीजेपी को कैसे चैलेंज कर रहे हैं? आपकी जमीन तो बिल्कुल खत्म है वहां पर, खासकर बीएमसी में देखें तो। आप कह रहे हैं परिणाम देखिएगा, परिणाम का कुछ मैं मानता हूं, 14 सीटें है। नहीं नहीं गौरव जी देखिए, मैं मानता हूं हमारी 14 सीटें हैं, और डॉक्टर उदय निर्गुड़कर मुंबई की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, और जो उन्होंने कहा वो बात भी सही है, जो लोगों ने वोट नहीं दिया हमारा, मतलब कहीं ना कहीं हम कम पड़ रहे हैं। लेकिन
जो पिछला समय गया है, हमने जो मेहनत की है, हमने लोगों का जो काम किया है वो लेकर हम लोगों के पास गए हैं। आज हम चुनाव में जो उतरे हैं, लोगों को बता रहे हमने क्या काम किया है। और एक बात याद रखिए, ये जनता ही चुनेगी। अगर वो हमसे नाराज है तो हमें 14 से कम सीट मिलेंगे, और अगर हमारे काम से खुश है तो 14 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, तो जनता तय करेगी। दो बड़ी पार्टियों में लड़ाई हो रही है, आप जनता का स्पेस क्रिएट हो रहा है वो मानेंगे ना हम। क्लाइंट ट्रस्ट इसलिए खुश है कि दो बड़ी पार्टियां लड़ रही हैं तो आपके लिए एक स्पेस क्रिएट होगा। देखिए वो एक दूसरे की गंदगी आपके चैनल के जरिए लोगों को दर्शा रहे हैं। आपका आप उनकी आपके चैनल के जरिए जितनी गंदगी 20 साल में उन्होंने की है वो दर्शा रहे हैं। और हमने जो काम किया है हम जाकर लोगों से बातें कर रहे हैं। और जब चुनाव हो गए 21 तारीख को और 23 तारीख को जब उसका रिजल्ट आएगा तो हमको देखिए हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जनता जो निर्णय लेंगी वो हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जनता से बड़ा कोई नहीं है, ये बात ये हमें भी पता है, आपको भी पता है। नहीं ठीक है, जनता से बड़ा कोई नहीं, इसीलिए मैंने 14 सीटें गिनाई। और जनता क्यों नहीं आपको उठा रही है ये तो आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन उदय निरगुड़कर जी हम सब डिबेट के आखिरी दौर में है। उदय निरगुड़कर जी साफ देखेंगे, अब देखेंगे ना गौरव जी, अभी समय आएगा हम देखेंगे। हाँ ठीक है सर, देखेंगे, साथ में बैठेंगे बात करेंगे। उदय निरगुड़कर जी तो फिर साफ है यहाँ पर, बीएमसी खत्म, बीएमसी का चुनाव, बीएमसी का चुनाव खत्म, ये लड़ाई खत्म। लेकिन सवाल ये जनता इनसे सर पूछेगी नहीं क्या? मुंबई की जनता या महाराष्ट्र की जनता इनसे पूछेगी नहीं कि जो बीएमसी में आपके लिए करप्ट पार्टी हो जाती है वो राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में इतनी पाक साफ कैसे हो जाती है आपके लिए? बिल्कुल सही, और इसी के कारण जो वोटिंग परसेंटेज है वो घटता जा रहा है, क्योंकि इस राजनीति के जो प्रचार चल रहा है उसके स्तर से जनता आज पूरी तरह से ऊब चुकी है। मैं आपको एक तथ्य बताता हूं, और जो चारों पैनलिस्ट हैं जो पिछले आधे घंटे से एक दूसरे से झगड़ा करके एंटरटेनमेंट कर रहे थे, मैं उनको एक तथ्य बताता हूं कि ये एक साथ आने को क्यों तैयार नहीं है और क्यों आना पड़ेगा इनको। शिवसेना को 76 सीटें मिली थी और 114 तक पहुंचने के लिए उनको 38 सीटें और लानी है। इसका मतलब है 50% मोर परफॉर्मेंस। आज अगर उनको आज गारंटी होती कि वो 50% खुद के दम पे लाते हैं तो वो एक दिन में इस सरकार से बाहर पड़ेंगे। वही रही बात बीजेपी की, बीजेपी 31 पे थी और उनको और 83 सीटें लानी है, 83 सीट्स लानी है ताकि वो अपनी सत्ता बीएमसी में कायम करें। लेकिन वो बहुत अफेयर टास्क है, आप समझ लीजिए, 3 times दे हैव टू स्कोर 3 times। कांग्रेस की बात करें तो देवेर 51, सो दे हैव टू स्कोर लिटिल मोर देन डबल। एंड एनसीपी देवेर 13, दे हैव टू स्कोर 5 times 6 times देन व्हाट देवेर। अगर 6 गुना अगर खुद की ताकत बढ़ानी है, 2 गुने से ज्यादा कांग्रेस को बढ़ानी है, अगर 2 गुने से ज्यादा बीजेपी, 3 गुने से ज्यादा बीजेपी को बढ़ानी है और 50% से इनसे शिवसेना को बढ़ानी है, आप बताएंगे ये सीटें आएंगी कहां से? तो इट इज वेरी क्लियर कि चुनाव के बाद जो भी कहा गया है उसे भूला जाएगा और एक दिन में सत्ता के लिए गले से मिलेंगे, उस वक्त हिंदुत्व याद आ जाएगा, उस वक्त सेक्युलर वोट्स याद आ जाएंगे। लेकिन जनता के सवाल इस चुनाव में प्रचार में नहीं सामने आए, ये सबसे बड़े दुर्दैव की बात है। ये लोगों को मूर्ख समझते हैं, लोग सियाने हो गए हैं, उनके पास व्हाट्सएप है, वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, इसके ऊपर से जोक्स आते हैं। राजनीति अपने आप में महज एक एंटरटेनमेंट बन चुकी है। बहुत शुक्रिया सर, और बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी आपने, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर गठबंधन में गांठ है ये सब मानते हैं, और कहीं ना कहीं जो मौजूदा लीडरशिप है वो भी एक कारण दिखती है उसमें, लेकिन सरकार खतरे में है ये अभी दूर की कौड़ी दिखती है। देखते हैं बीएमसी चुनाव में जब 21 तारीख को वोटिंग होगी और 23 फरवरी को नतीजे आएंगे, उसके बाद शिवसेना या भाजपा का क्या स्टैंड होगा। और जैसा कि अभी आपने सुना कि एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट महाराष्ट्र के उदय निरगुड़कर कह रहे थे कि तुरंत सेकुलर वोट और हिंदुत्व याद आ जाएगा, तो क्या ऐसा होगा, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बिग स्टोरी विद डिबेट बस इतना ही, आप देखते रहिए ज़ी बिजनेस। नमस्कार।